सब्सक्राइब कीजिए सुमित ऑनलाइन क्लासेस को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। सुमित ऑनलाइन क्लासेस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41। कहता है ए और बी दो पार्टनर हैं 1 अप्रैल 2015 से विदाउट एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। कहता है इनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ और इन्होंने कैपिटल लगा दी दोनों ने। ए ने लगाई 35,000 और बी ने लगाई 20,000 रिस्पेक्टिवली। ऑन 1 अक्टूबर की बात करें 2015 की, तो ए ने लोन दे दिया कितने का, 8,000 का बाय वे ऑफ लोन विदाउट एनी एग्रीमेंट। कोई एग्रीमेंट नहीं किया कि क्या इंटरेस्ट आपको चार्ज किया जाएगा या कितना इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा। लिखा है द प्रॉफिट एंड लॉस जो अकाउंट बनाया गया फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च को, लिखा है 2016 को, जो एक साल हो गया, ठीक, डिस्क्लोज हुआ कि हमारे को इस साल 15,000 का प्रॉफिट हुआ है। बट पार्टनर क्या कहते हैं, कैन नॉट एग्री, एग्री नहीं है वो किस बात पे, अपॉन द क्वेश्चन के अंदर जो इंटरेस्ट देना था, अपॉन द बेसिस ऑफ डिवीजन के प्रॉफिट कैसे लगाएं, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल किसने लगा रखी, ए ने ज्यादा लगा रखी, बी ने कम, तो ऑब्वियसली है कि यहाँ पर क्या किया जाएगा, ए के द्वारा ज्यादा प्रॉफिट की डिमांड की जाएगी, लेकिन क्वेश्चन साइलेंट है। तो इस केस में दो हमारे आंसर बन सकते हैं। फर्स्ट कहता है कि अगर आपने कोई डीड नहीं बनाई है तो जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस होगा वो इक्वल ट्रीट कर लिया जाएगा, इक्वल रेशो में बांट दिया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो ये बनता है। सेकंड कहता है इंटरेस्ट, अगर पार्टनर ने कैपिटल लगाई है तो उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, क्यों, क्योंकि डीड के अंदर कुछ लिखा नहीं है। थर्ड कहता है लोन दिया ए ने, लेकिन लोन आउटसाइडर पार्टी से भी ले सकते थे, तो ऐसे केस में लोन के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कितना दिया जाएगा, 6% दिया जाएगा। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर ये हुआ था पूरा एंड, ठीक है ना। साल कब स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल को 2015 में, ठीक है, और एंड कब हुआ, 31 मार्च 2016 को। कहता है यहाँ पर हमारे को पता लगा प्रॉफिट कितना हुआ है, हमारे को 15,000 प्रॉफिट हो गया, ठीक है, और यहाँ पर पार्टनर ने क्या लगा दिया, एडवांस दे दिया, कब दिया, अक्टूबर में दिया, 1/10 में दिया, ठीक है ना, 1/10/15 को, ठीक है। तो इसके बाद कितने मंथ बचते हैं, 6 मंथ बचते हैं, कितना लोन दिया भाई, 8,000, तो इंटरेस्ट निकाल दो आप, 8,000 × 6/12 × 6%, 6/100, तो 6 को 2 से 12 और 2 को 3 से, ठीक है, 2 0 से 2 0, तो 8 × 24 तो कितना आ जाएगा, 240 हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, प्रॉफिट है जो वो कितने का हुआ हमारे को, 15,000 का, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाय नेट प्रॉफिट कितने का हुआ है, 15,000 इनर कॉलम में, क्यों आउट कॉलम में क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है जो लोन के ऊपर, और उसको चार्ज किया जाता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से काटते हैं, तो हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट ना बना के इसी में से माइनस कर देते हैं। माइनस क्या कर देते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था, 240, तो 15,000 में से अगर आप कितना माइनस करते हो, 240 माइनस करते हो, तो कितना बचता है आपका, आपका बचता है 14,760, ठीक है। अब कहता है कुछ देना नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं देना, तो अब क्या करेंगे हम, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको हम क्या करेंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट किसकी रेशियो में, ए और बी 1:1 की रेशियो में, तो कितना आया हमारे पास, 14,760, ठीक है। इसको कितने से डिवाइड करेंगे, हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 7,380, 7,380 टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14,760, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 14,760, 14,760। यहाँ क्या लिखेंगे, कौन कौन है, यहाँ पर ए है और पार्टनर बी है, यहाँ ए है पार्टनर, यहाँ बी है, यहाँ क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बी डी ब्रोट डाउन, कितनी कैपिटल थी उनकी, 35,000 और 20,000, 35,000 और 20,000। यहाँ क्या मिला उनको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिला पैसे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक है, कितने मिले, 7,380, 7,380, तो हमारा टोटल कितना बैठ जाएगा, ये 27,380, और यहाँ कितना बैठ जाएगा,
35,000 तो पहले थे हमारे पास, प्लस हमारे पास कितने आ गए यहाँ पर 7,380, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे टोटल 42,380, ठीक है। और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा हमारे पास 42,380, यहाँ कितना आ जाएगा 27,380। यहाँ हमने कोई ड्राइंग नहीं की, कोई हमारा लॉस नहीं हुआ, तो यहाँ क्या लिखेंगे टू बैलेंस सी डी कैरी डाउन, कितना लिखोगे 42,380 और 27,380, ठीक है। तो आपने ऐसे क्वेश्चन को ट्राई करना है, बन जाएगा आपसे क्वेश्चन, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव या कोई शिकायत है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपडेट करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।